नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। धार में चिंतामन गायकवाड़ उर्फ सोनू गायकवाड़ निवासी कुम्हारगढ़ा धार के साथ काला पिता हैदर छोटू उर्फ झप्पी और उसका एक और भाई, इन तीनों भाइयों ने मिलकर हिंदूवादी नेता सोनू गायकवाड़ के कचरा फेंकने को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान गाली गलौज और झूमा झटकी के बाद मारपीट होने की घटना प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई। घटना के दौरान ही सोनू गायकवाड़ की वृद्ध माता जी श्रीमती पुष्पा गायकवाड़ 82 वर्ष को जमीन पर पटक दिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बरकरार है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जो स्थिति पर नजर रखा हुआ है। भंडारा जिला अंतर्गत तुमसर शहर का एक मामला सामने आया है, जो कि बीजेपी के MLA चरण वाघमारे और बीजेपी के शहर अध्यक्ष अनिल जिबकाटे पर FIR दर्ज कर रिपीट। FIR महिला PSI से गाली गलौज का मामला सामने आया है, जो तुमसर कृषि उपज बाजार समिति में कामगारों को किट वितरण करने के दौरान ड्यूटी पर तैनात PSI रजनी तुमसरे के साथ गाली गलौज कर सरकारी कार्य में बाधा निर्माण करने पर PSI के शिकायत पर बीजेपी के विधायक चरण वाघमारे और शहर अध्यक्ष अनिल जिबकाटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार 16 सितंबर को रात 10 बजे कामगारों को किट का ट्रक बाजार समिति में आया, वहां पर उपस्थित सैकड़ों कामगारों की सुरक्षा के लिए PSI रजनी तुमसरे के साथ ही अन्य महिला पुलिसकर्मियों को बाजार समिति में तैनात किया गया। रात्रि 11:15 बजे PSI रजनी तुमसरे लंबी कतार में खड़ी एक गर्भवती महिला से किसी तरह की समस्या को लेकर पूछताछ करने लगी। इस बात पर शहर अध्यक्ष अनिल जिबकाटे ने PSI तुमसरे के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे और कहा कि कामगारों की पेटी PSI अपने गाड़ियों में पहुंचा देंगी। इस पर PSI ने कहा कि इस तरह के अपशब्दों का उपयोग क्यों किया जा रहा है। जिबकाटे ने कहा कि मुझे अधिक की बातें मत बताएं, हम यहां कामगारों को पेटियां वितरण करने के लिए आए हैं। ये कहते हुए गाली गलौज करने लगे। यहाँ पर मौजूद पुलिस हवलदार कामले ने समझाते हुए कहा कि अपशब्दों का इस्तेमाल न करें। मिली जुली इंक्वायरी जो है, जांच जो है, वो 5 दिन के अंदर होनी चाहिए। उनका ऐसा मानना था शुरू में कि हम 7 दिन करेंगे, 7 दिन के लिए हमारे पास समय नहीं है। नहीं तो अगर आप जांच करने में असक्षम होंगे और सामने वाले अधिकारी ने जो गुना आरोप पत्र दाखिल किया है उसके आधार पे आपको अगर निर्णय लेना होगा तो चरम भाव आपके सामने हाजिर है अरेस्ट होने के लिए। लेकिन पुलिस प्रशासन में चरम भाव को अरेस्ट करने का अभी दम नहीं है और मैं समझता हूँ कि 5 दिनों में निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होगा और चरम भाव पर जो बेईमान अधिकारी ने आरोप लगाए, झूठे आरोप लगाए हैं, कहीं ऐसी स्थिति नहीं बने कि उसी अधिकारियों पर आरोप को सिद्ध करने की पारी आएगी। इसलिए हमने भी, हम राजकीय पार्टी के संयम से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और मैं समझता हूँ सबने मिलकर 5 दिन प्रतीक्षा रखना चाहिए। लेकिन जनता के बीच में ये बात जाकर समझाने की आवश्यकता है कि हमने सामान्य जो कामगार है उसको किट देने की हमने जो व्यवस्था की, जो दूरी व्यवस्था थी, अव्यवस्था थी, उसको दुरुस्त करने के लिए चरम भाव हुआ है। हम किट देने की व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन विरोधी पार्टी लोगों को वो हजम नहीं हो रही है और वो परेशान है, तंग है कि ऐसा आमदार क्यों है, इसको हटाओ और ये किट बांटने का कार्यक्रम बंद करो। गरीबों को जाकर बताओ ये तुम्हारे दुश्मन है, जो तुमको किट मिल रही है वो किट नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए सारा षड्यंत्र साजिश कर रहे है, ये आपको बताने की आवश्यकता है। गांव-गांव जाओ सब जगह। शिवपुरी में आए मध्य प्रदेश सरकार में पशुपालन मंत्री लखन सिंह यादव दिग्विजय सिंह और उमा सिंघार के बीच चल रहे झगड़े को लेकर अपना बयान दिया है। मंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार एक परिवार है जिसमें छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाने को भी लेकर बोले मंत्री, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो ही फैसला करेगा कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए काबिल है। मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, कहा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भगवान राम और गौवंश के ऊपर राजनीति करती है। और फिलहाल खबरों में इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज।